आरा में कन्हैया कुमार के काफिले पर पथराव हुआ है। पथराव के बाद जान बचाकर कन्हैया कुमार भागे हैं। काफिले में शामिल गाड़ियों में कई लोग कुचले गए हैं, इस तरह की खबर आ रही है। भगदड़ में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, ये खबर भी आ रही है आरा से। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाम दलों की जनमन यात्रा में शामिल होने आरा पहुंचे थे कन्हैया कुमार, लेकिन इस दौरान कन्हैया कुमार का विरोध हुआ है। वाम दलों की जनमन यात्रा में पहुंचे थे कन्हैया कुमार, तस्वीर देखिए। अरे पथरा हो गए महाराज, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, अपना हट जाइए। धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इसी खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ है पूरा मामला है, नाराजगी कहां पर थी, क्यों आखिर कन्हैया कुमार को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, कितने लोग घायल हैं? पंकज, आपको बता दें कि आज दिन में लगभग 2 बजे की ये घटना है, क्योंकि ये इसके पीछे अगर जाएं, ये कम से कम ये 10 मामले ऐसे हो चुके हैं कन्हैया कुमार पर। 26 जनवरी के बाद जो वामपंथी दलों हैं, दलों ने जो विरोध प्रदर्शन का एक सिलसिला शुरू किया, उसके तहत ये लोग जनमन यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के तहत आज इनका 2 प्रोग्राम लगा था, एक बिहार के बक्सर में था, उसके बाद आरा में होना था। बक्सर का ये प्रोग्राम करके और बक्सर हाईवे से लेकर आई आरा की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही बक्सर से निकले हैं, उसके बाद जो है लोगों ने काले झंडे दिखाए और उसके बाद पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसके बाद से जब इनका काफिला वहां से भागने के क्रम में, और उससे कई लोग जो है कुचल गए इनके काफिले से, इसके दौरान भीड़ जो है आक्रोशित हो गई और मरने मारने पर उतारू हो गई। तो कुल मिलाकर बता दें कि जब 26 जनवरी से लेकर के और ये कम से कम दर्जन भर मामले हो चुके हैं, लगभग कन्हैया कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा है। कई जगह ईंट पत्थर इन पर चले हैं, काले झंडे दिखाए गए हैं। विशेषकर ये एनआरसी सीए का ये विरोध के क्रम में ये आज सारा घटना हुआ है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।